नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख मुख्य समाचार। अब तक अगर आपने मंडल न्यूज के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाइक और सब्सक्राइब करें। दर्जनों संगीन आपराधिक मामलों में लिप्त रहने वाले तथा तिहाड़ जेल में बंद रहने के बावजूद भी अपने जबरदस्त नेटवर्क के दम पर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में हत्या एवं फिरौती जैसी आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई का पहली बार विदर्भ कनेक्शन सामने आया है। जब हथियारों के तस्करी के मामले में पकड़े गए अकोला निवासी युवक के मोबाइल से लॉरेंस विश्नोई को व्हाट्सएप किए गए कॉल जाने तथा उस युवक के मोबाइल पर लॉरेंस विश्नोई के भाई अनमोल विश्नोई सहित 3 इंटरनेशनल नंबरों से व्हाट्सएप कॉल प्राप्त होने की जानकारी सामने आई। ऐसे में अब सभी के मन में यह सवाल कौन रहा है कि आखिर कब तक उत्तर भारत में सक्रिय रहने वाला तथा बड़े बड़े सेलिब्रिटी को अपने निशाने पर रखने वाला लॉरेंस विश्नोई विदर्भ क्षेत्र में क्या करने का इरादा रखता है तथा उसने इस क्षेत्र में अपना नेटवर्क बनाना क्यों शुरू किया। बता दें कि दिल्ली सहित दिल्ली के आसपास रहने के इलाकों व राज्यों में अपना नेटवर्क रखते हुए पैसों की वसूली के लिए धमकी तथा हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देने वाले लॉरेंस विश्नोई का नाम पहली बार उस समय राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया जब काले हिरण की शिकार के मामले में नामजद हुए सलमान खान को लॉरेंस विश्नोई के जान से मारने की धमकी दी। और तब से लेकर अब तक लॉरेंस विश्नोई अपनी धमकी को कई बार दोहरा चुका है। साथ ही लॉरेंस विश्नोई के गुर्गो द्वारा मुंबई में कई बार सलमान खान की रेकी भी की जा चुकी है। इसके अलावा लॉरेंस विश्नोई का नाम उस समय भी अच्छा खासा चर्चित हुआ जब उसने पंजाब के लोकप्रिय गायक सिद्धू मूसेवाला को अपने गुर्गों के जरिए हत्या करवा दी। साथ ही राजस्थान में राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेड़ी, इनकी लॉरेंस विश्नोई के गुर्गों ने भी उनके आवास पर दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। कनाडा में छिपकर बैठे गोल्डी बरार जैसे मोस्ट वांटेड अपराधी के साथ सीधे संपर्क में रहने वाले और जेल में बैठे बैठे अपने नेटवर्क के जरिए देश के अलग अलग स्थानों पर कई संगीन आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले लॉरेंस विश्नोई का पहली बार विदर्भ के साथ नाम जुड़ता नजर आया। और अकोला में हथियारों के साथ पकड़े गए 3 युवकों में एक युवक का लॉरेंस विश्नोई के साथ सीधा कनेक्शन सामने आया है। ऐसे में यह सवाल उपस्थित हुआ है कि आखिर विदर्भ क्षेत्र में अपना नेटवर्क स्थापित करने के पीछे लॉरेंस विश्नोई का क्या इरादा हो सकता है। उल्लेखनीय है कि आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और इस बार लोकसभा चुनाव बेहद हाईफाई प्रोफाइल में रहने के साथ साथ कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, जिसे हर राजनीतिक दल के लिए अस्तित्व की लड़ाई वाला चुनाव भी माना जा रहा है। क्योंकि चुनाव जैसे मौके पर धनबल के साथ साथ बाहुबल का भी अच्छा खासा प्रयोग किया जाता है। ऐसे में लॉरेंस विश्नोई गैंग की विदर्भ क्षेत्र में सक्रियता इसके साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है। वही इस बात की अनदेखी भी नहीं की जा सकती कि इन दिनों विदर्भ क्षेत्र विशेषकर पश्चिम विदर्भ में बड़े पैमाने पर औद्योगिक व व्यापारिक विकास हो रहा है, जिसके चलते पश्चिम विदर्भ क्षेत्र में होने वाला कैश फ्लो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। क्योंकि लॉरेंस विश्नोई गैंग का प्रमुख व्यवसाय ही धन उगाही करना है, ऐसे में यह भी मानकर चला जा सकता है आखिर शुभम लोनकर के जरिए पुणे से अकोला भेजी गई हथियारों की यह खेप आगे चलकर किसे दी जानी थी और इन हथियारों के दम पर लॉरेंस विश्नोई गैंग विदर्भ में क्या कुछ करने का इरादा रखता था, यह सोचने वाली बात है। याद रहे कि लॉरेंस विश्नोई को ऐसा आम अपराधी नहीं है जिसका मोबाइल नंबर अपराध जगत से वास्ता रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास उपलब्ध होगा। ऐसे में यह सवाल भी उठता है आखिर अकोला जिले से वास्ता रखने वाले शुभम लोनकर के पास सीधे लॉरेंस विश्नोई का नंबर कैसे आया, जिसके जरिए उसने वर्ष 2022 एवं वर्ष 2023 में 2 बार सीधे लॉरेंस विश्नोई के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करते हुए बातचीत की। साथ ही इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती कि शुभम लोनकर के मोबाइल पर लॉरेंस के भाई अनमोल विश्नोई तथा 3 अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से व्हाट्सएप ऑडियो कॉल आई थी। यानी शुभम लोनकर निश्चित तौर पर विगत लंबे समय से लॉरेंस गैंग के साथ जुड़ा हुआ है और उसकी लॉरेंस विश्नोई सहित उसके भाई अनमोल विश्नोई के साथ ही गैंग के अन्य कई लोगों के साथ सीधे संबंध है। ऐसे में इस बात की सघन जाँच किए जाने की जरूरत है आखिर अकोला वास्ता रखने वाला और इन दिनों पुणे में रहने वाला शुभम लोनकर कब, कैसे, किसके जरिए लॉरेंस विश्नोई के संपर्क में आया। साथ ही अकोला जिला पुलिस सहित महाराष्ट्र के गृह विभाग को इस बात की बेहद गंभीरतापूर्वक जांच करनी होगी आखिर शुभम लोनकर की तरह विदर्भ क्षेत्र में लॉरेंस विश्नोई के गैंग के साथ कनेक्शन रखने वाले कितने लोग सक्रिय है। इसमें से कुछ लोगों के नाम तो शुभम लोनकर के जरिए ही सामने आ सकते हैं जिसके साथ वह डील करना चाहता था। वही अन्य लोगों के नामों को जानने के लिए महाराष्ट्र पुलिस के सीधे लॉरेंस विश्नोई के गिरेबान पर हाथ डालना पड़ेगा ताकि विदर्भ क्षेत्र में चल रहे उसके नेटवर्क के बारे में पता किया जा सके।
विदर्भ क्षेत्र में लॉरेंस बिश्नोई क्या कुछ करना चाहता है और उसके किस काम के लिए अकोला के शुभम लोणकर को अपनी गैंग में शामिल किया है? इसका जवाब शुभम लोणकर तथा लॉरेंस व अनमोल बिश्नोई सहित तीन इंटरनेशनल नंबरों से आई कॉल के दौरान हुई बातचीत के जरिए मिल सकता है, जिसके लिए पुलिस तकनीकी रूप से जांच करते हुए बातचीत के ऑडियो टेप हासिल करते होंगे ताकि बातचीत के पूरा ब्यौरा सुना जा सके। अब तक अगर आपने मंडल न्यूज के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाइक और सब्सक्राइब करें।